कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री रंगीला राम राव ने मतगणना से कुछ दिन पहले चुनावी परिणाम को लेकर बड़ी बात कही है। रंगीला राम राव ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिला मंडी में भी भाजपा की साख को नहीं बचा पाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि मंडी में कांग्रेस पार्टी 6 से 7 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। रंगीला राम राव ने कहा कि हालांकि जयराम ठाकुर व्यक्तिगत रूप से काफी शरीफ है, लेकिन शराफत से काम नहीं चलता, आपको शासन प्रशासन चलाना पड़ता है। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री रंगीला राम राव अपने परिवार सहित माता श्री नैना देवी के दर्शनों के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने माता जी के दर्शन कर शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं पर मंदिर न्यास की तरफ से उन्हें माता की चुनरी, माता की फोटो और प्रसाद भेंट किया गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में हारी है और पूर्ण बहुमत से हारी है, और अब हम हिमाचल प्रदेश को दोबारा उन्नति, प्रगति, उत्थान के रास्ते में लाएंगे। और जो लोगों के साथ पिछले टाइम में, पिछली सरकार के टाइम में जातियां हुई हैं, उनको सुधारेंगे। हमारा मकसद किसी से विरोध नहीं है, हमारा मकसद ये है कि हिमाचल में सुख रहे, शांति रहे, हिमाचल उन्नति के रास्ते में रहे और हिमाचल तरक्की करे, प्रगति करे, उत्थान करे। इसी रास्ते में हिमाचल प्रदेश की सरकार चलेगी। देखिए, मंडी में 6 और 7 के बीच में जाएंगे। अब मैं क्यों बोलूँ, जयराम जी ने अपने तरफ से काम किया है, लेकिन हम तो अपनी पार्टी के बारे में बात करते हैं। जयराम जी वैसे शरीफ आदमी है, लेकिन शाफ्ट से सारा काम नहीं चलता। आपको शासन प्रशासन जो है देना पड़ता है। वो तो हमारे मित्र आदमी है, लेकिन वो एक अच्छा शासन प्रशासन देने में कामयाब नहीं।